एवरीवन, वेलकम बैक टू अवर यूट्यूब चैनल टीम डी ऑफिशियल। मैं हूं डियागोरी। तो गाइस, आज का जो वासेस होने वाला है वो किसी माँ बाप से कम नहीं होने वाला, क्योंकि दोनों तरफ जो होने वाले काफी बेहतरीन टीमें होने वाली है। इंट्रोड्यूस आपको करा देता हूँ। एक तरफ होने वाली है बेस्ट गेमिंग, जिनकी तरफ से आ चुके हैं पैंथर, बीजी, जीकेपी एंड क्रशर एंड गौतम। दूसरी तरफ अगर बात करें जिसको आप सभी जानते हैं, वन एंड ओनली टीम डी, जिनकी तरफ से अगर लाइनअप की बात करें हीरो आकाश, मैक्स एंड मोदी। पहला राउंड आ चुका है गाइस केप टाउन में, एंड 44 का मुकाबला टीम डी बनाम बेस्ट गेमिंग गाइस मुकाबला होने वाला है। एंड पहले मुकाबले में एक अच्छी शुरुआत की उम्मीद दोनों ही टीमें जरूर कर रही होंगी, लेकिन देखना होगा अच्छी शुरुआत कौन सी टीम करने वाली है। दोनों तरफ बेहतरीन टीमें होने वाली है, पैंथर होने वाले, क्रशर, गौतम एंड जीकेपी बेहतरीन खिलाड़ी होने वाले। दूसरी तरफ गाइस जो टीम डी की लाइनअप है हीरो आकाश, मैक्स, मोदी यहां पे, तो बढ़िया मुकाबला जरूर हमें देखने को मिलेगा। लिमिटेड एमो का गाइस मुकाबला होने वाला है, आकाश के ऊपर हमला जरूर बोला गया है। सामने तरफ जी एक प्लेयर यहां पे डाउन लिए जा चुका है, थोड़ा सा यहां पे संभल के जरूर खेलना होगा। क्रशर नहीं, यहां पे पैंथर नहीं चल पाएंगे, पैंथर को जरूर यहां पे डाउन ले लिया होगा, थोड़ा सा यहां पे बच के जरूर रहना होगा। दो प्लेयर जरूर यहां पे डाउन हो चुके हैं टीम डी के, लेकिन मोदी अभी भी सलामत है। जी नहीं, यहां पे मोदी को भी डाउन ले लिया जाएगा। मैक्स अकेले बचते हुए 1v3 का मुकाबला पैंथर की तरफ से इस राउंड का डबल किल आ चुका है। पहले राउंड में बढ़त बनाते हुए मेरे को नजर आ रहे बेस्ट गेमिंग के प्लेयर काफी बेहतरीन गाइस प्लेयर होने वाले। मैक्स अकेले बच चुके 1v3 का मुकाबला, और मेरे को लग रहा है कि पहला राउंड इजीली नहीं, यहां पे वाड़े शॉट एक प्लेयर को बढ़िया यहां पे डैमेज दिया है, दूसरे प्लेयर को भी काफी बेहतरीन यहां पे शॉट लगाए। बच के थोड़ा सा यहां पे खेलना होगा। सामने की तरफ यहां पे डेजर्ट ईगल जरूर चलाई जा रही है, लेकिन थोड़ा सा बच के यहां पे एंड बढ़िया शॉट लगाते हुए एंड भाई लिटरली यहां पे बच हुए एक और प्लेयर को डाउन जरूर लेके गए थे, लेकिन अपने नॉकआउट को कन्वर्ट नहीं कर पाए। किल में एक नॉकआउट यहां पे जरूर निकाला था, उनको कन्वर्ट नहीं किया, दूसरा नॉकआउट भी निकाला लेकिन उनको भी कन्वर्ट नहीं कर पाए। एंड रिवाइवल संभव हो गया, जिसकी वजह से यहां पे इजीली बेस्ट गेमिंग के जो प्लेयर्स है वो पहला राउंड निकाल के लेके गए एंड 1-0 से इस मैच में गाइस लीड में जाते हुए बेस्ट गेमिंग। दूसरा राउंड आ चुका गाइस, और दूसरे राउंड में भाई लेस जो होने वाले ये यंग एथलीट होने वाले हैं, इनके कंधों पे काफी बड़ी जिम्मेदारी होने वाली है। क्या ये अपनी टीम को आज जीत दिला पाएंगे? जी, सामने की तरफ एक प्लेयर गलती करेंगे, लेकिन यहाँ पे बढ़िया कवर शायद आता हुआ। दो प्लेयर जरूर यहाँ पे डाउन हो चुके, लेकिन देखना होगा यहाँ पे दो प्लेयर अगर बात करें बेस गेमिंग के भी डाउन हो चुके। जी बढ़िया यहाँ पे डैमेज देते हुए मेरे को जरूर नजर आया। रिवाइवल तो संभव नहीं होगा, 2v2 का मुकाबला मोदी के पास मौका होने वाला है, शायद एक प्लेयर को यहाँ पे डाउन लेके जा सकते हैं। सामने की तरफ एक प्लेयर जरूर होने वाला है, जी शायद यहाँ पे डाउन। जी बच के रहना होगा, क्योंकि सामने की तरफ बेहतरीन प्लेयर होने वाला है, बढ़िया यहाँ पे डैमेज जरूर देते हुए दिखाई दे रहे, लेकिन नहीं यहाँ पे डाउन ले लिए जाएंगे अकेले प्लेयर यहाँ पे। क्रशर बचते हुए 1v2 का मुकाबला, और शायद यहाँ पे वापसी करना स्टार्ट कर चुके टीम डी। एंड व्हाट अ शॉट बाय द भाई, क्या ही शॉट लगाया था क्रशर ने, लेकिन यहाँ पे पलटवार करते हुए एंड इस मैच को बराबरी पर लाते हुए टीम डी बॉयज। तीसरा राउंड आ चुका गाइस, और तीसरे राउंड में हम पहुंच चुके हैं सैंटोसा में। बड़ी जिम्मेदारी इन एथलीट के कंधों पे, बच के रहना होगा। क्रशर काफी बेहतरीन स्नाइपर, लेकिन इनको जो है डाउन ले लिया जाएगा। पैंथर के कंधों पे बड़ी जिम्मेदारी, एक प्लेयर यहां पे रश करता हुआ मेरे को दिखाई दे रहा है। जी मोदी यहां पे आ चुका है, मैक्स काफी बेहतरीन प्लेयर एंड व्हाट अ राइट नंबर शॉट, वन एंड ओनली मेरे को सिर्फ रेड नंबर के शॉट दिए। पैंथर अकेले बचे हैं, ज्यादा मौके नहीं होने वाले, वापसी अभी करनी होगी, वरना यहां पे टीम डी बॉयज यहां पे कंक्रीट करते हुए नजर आ रहे। बढ़िया एक शॉट यहां पे जरूर लगाया था, लेकिन भाई काफी बेहतरीन गाइस यहां पे टीम डी प्लेयर्स वापसी करते हुए लगातार दो राउंड अपने खाते में जोड़ के इस मैच में पहली बार एक पॉइंट की लीड बनाने में कामयाब हो चुके हैं। चौथा राउंड आ चुका गाइस, और चौथे राउंड में मास सेलेक्टिव में पहुंच चुके हैं टीम डी की जो लिमिटेड एमओ की स्क्वाड होने वाली है। एफएफ के जगत में अपना एक अलग नाम, अलग अपनी पहचान दिखाते हुए नजर आ रही है। जिस तरीके से ये प्लेयर खेलते हैं, जिस तरीके से यहाँ पे यूनिटी में खेलते हैं, काबिले तारीफ एंड भाई कॉन्क्रीट करके रख देते हैं सामने वाली टीम को। लेकिन गाइस आज जो इनके सामने टीम होने वाली है वो भी काफी बेहतरीन बेस गेमिंग होने वाली है, एंड पैंथर काफी बेहतरीन प्लेयर है, तो थोड़ा सा बच के इनकी रणनीतियों से बच के रहना होगा। लेकिन जी आकाश अंदर की तरफ गया, आकाश काफी बेहतरीन रशर होने वाले, बच के यहां पे थोड़ा सा खेलना होगा। सामने तरफ पैंथर होने वाले हैं, एंड क्या कमाल करने वाले पैंथर। जी वुडपीकर का इस्तेमाल करते हुए लॉन्ग रेंज से यहां पे जरूर आकाश को डाउन ले जाने की कोशिश यहां पे कर सकते हैं, लेकिन क्या कर पाएंगे ये जरूर देखना होगा। यहां पे भी लॉन्ग रेंज एंड शॉर्ट रेंज दोनों होने वाली आकाश के पास, तो बच के यहां पे जरूर रहना होगा। एंड क्रशर की तरफ से क्या रणनीति है? जी क्रशर ये बेहतरीन प्लेयर, लेकिन बच के बढ़िया पे डैमेज देते हुए एंड शायद यहां पे डाउन लेके जा सकते हैं। बच के यहां पे रहना होगा, काफी कम है, लिटरली यहां पे ना के बराबर की हेल्थ में यहां पे बचते हुए क्रशर नजर आए, लेकिन थोड़ा सा यहां पे बच के खेलना होगा। गौतम शॉर्ट रेंज में यहां पे संभालते हुए नजर आएंगे, लेकिन शॉर्ट रेंज में क्या कमाल कर पाएंगे। बेहतरीन गाइस दोनों टीमें होंगी, लेकिन अभी जरूर
जरूरत है बैस गेमिंग को एक साथ मिलकर खेलने की। अगर एक साथ मिलकर खेलते हैं, जी यहाँ पे क्रश को जो यहाँ पे डाउन ने ले लिया गया है, अगर एक साथ मिलकर खेलते हैं तो कहीं ना कहीं वापसी कर सकते हैं। आकाश काफी बेहतरीन प्लेयर, हीरो आकाश मैक्स मोदी पूरी तेजी से यहाँ पे कंक्रीट एंड व्हाट है रेड नंबर शॉट, वन एंड ओनली मैक्स भाई क्या ही रेड नंबर के शॉट लगाए थे, लेकिन खुद खा भी जाएंगे यहाँ पे। जी जीकेपी आ चुका है, बढ़िया ये प्लेयर भाग काफी बेहतरीन यहाँ पे शॉट लगा रहा है, लेकिन हीरो यहाँ पे डाउन लेके जाएंगे, अकेले प्लेयर यहाँ पे बसते हुए नजर आए। शायद अभी हील की जरूरत है, हील पहले कर लेना चाहिए। जी मैं बोला हूं पहले यहाँ पे हील कर लेना चाहिए, गलती यहाँ पे टीम डी के प्लेयर यहाँ पे करते हुए नजर आ रहे, एंड शायद यहाँ पे रिवाइवल भी संभव करवा देंगे गौतम, तो थोड़ा सा मुश्किलों में यहाँ पे जरूर हीरो होने वाले हैं, थोड़ा सा यहाँ पे बच के जरूर रहना होगा, क्योंकि गाइस सामने की तरफ जो प्लेयर होने वाले हैं वो भी कोई मामूली प्लेयर नहीं है, काफी बेहतरीन प्लेयर है, तो थोड़ा सा यहाँ पे बच के जरूर रहना होगा। जी ऊपर की तरफ से यहाँ पे जरूर आने की कोशिश यहाँ पे की जा रही है, एंड आ भी चुके हैं, बढ़िया पे शॉट लगाते हुए ग्लोवाल का इस्तेमाल करते हुए, लेकिन अंदर की तरफ यहाँ पे एक प्लेयर होने वाला है जो प्लेयर डाउन हो चुका था, लेकिन गौतम ने उनको रिवाइव कराया और वही प्लेयर यहाँ पे खतरा बनता हुआ टीम डी के सामने, एंड इस मैच को दोबारा से बेस गेमिंग एक बेहतरीन टीम बराबरी पर लाती हुई। पांचवा राउंड आ चुका गाइस, और पांचवा राउंड में ऑब्जर्वेटियम पहुंच चुके हैं, टीम डी गाइस आज मुकाबला करते हुए आपको नजर आएगी बेस गेमिंग के सामने। बेस गेमिंग काफी बेहतरीन टीम है, जरूर होने वाली है, लेकिन यहाँ पे थोड़ा सा संभल के खेलना होगा, क्योंकि गाइस अगर बात करें दोनों ही टीमों को कम आंकना यहाँ पे गलती साबित हो सकती है, जैसा मैंने बोला दोनों टीमों को गलत आंकना गलती साबित हो सकती है। एक प्लेयर जरूर यहाँ पे टीम डी का डाउन हो चुका है, थोड़ा सा बच के आकाश काफी बेहतरीन रश है, वुकुंग का इस्तेमाल करेंगे, लेकिन नहीं यहाँ पे गलती हो जाएगी आकाश के द्वारा, एक प्लेयर को यहाँ पे दोबारा से डाउन ले लिया गया, एंड जीके बेहतरीन प्लेयर जरूर होने वाले, रिवाइवल यहां पे संभव हो चुका है, एंड पैंथर को भी शायद यहां पे रिवाइवल संभव हो जाएगा, और शायद यहां पे टीम डी को एक साथ मिलकर खेलने की जरूरत है। मोदी का मेरे को लग रहा था कि थोड़ा सा नेटमैन का गलीच है, लेकिन थोड़ा सा बच के काफी अच्छा खासा डैमेज एक प्लेयर को जरूर यहां पे दे दिया, लेकिन गाइस 2v4 का मुकाबला एंड मैन टू मैन एडवांटेज पूरी तरीके से होने वाली है बेस गेमिंग के पास, तो ये गोल्डन चांस होने वाला है वापसी करने का और एक पॉइंट की लीड भी यहां पे बनाने का, लेकिन क्या बना पाएंगे जब सामने तरफ टीम डी के दो प्लेयर्स होने वाले। जी एक डाउन ले लिया गया, एंड अकेले प्लेयर यहां पे बचते हुए, एंड शायद ये राउंड जाता हुआ हाथों से बेस्ट गेमिंग इस राउंड को इजीली यहां पे निकाल के लेके जाएगी। जी जीकेपी की तरफ से इस राउंड का लास्ट का किल आएगा, एंड इसी के साथ यहां पे एक पॉइंट की लीड बनाने में दोबारा से कामयाब हो चुके बेस्ट गेमिंग। छठे राउंड आ चुका गाइस, और छठे राउंड में पहुंच चुके नजारे काफी बेहतरीन आज होने वाले हैं, जिस तरीके से यहां पे मुकाबला करती हुई दोनों टीमें नजर आ रही है, कांटे की टक्कर हो रही है, एक नपातुला मुकाबला दोनों टीमों के बीच में मेरे को चलता हुआ नजर आ रहा है। इसी वजह से यहां पे जी यहां पे मेरे को लग रहा है कि रश करते हुए नजर आएंगे, पैंथर अंदर की तरफ यहां पे जरूर आ चुके, इनके साथ गौतम होने वाले, सामने की तरफ एक प्लेयर होने वाले आकाश, तो बच के जरूर रहना होगा, काफी बेहतरीन प्लेयर। ऊपर की तरफ मोदी होने वाले, अगर यहां पे मोदी यहां पे घेर लिए जाते हैं तो कहीं ना कहीं ये मुकाबला शायद एक तरफा जा सकता है, पलटवार यहां पे करना होगा टीम डी को, एक प्लेयर यहां पे जरूर डाउन हो चुका, लेकिन आकाश इसी बीच यहां पे डाउन ले लिए जाएंगे, हीरो की भी हेल्थ काफी कम होने वाली, एक और प्लेयर यहां पे मैक्स की तरफ से डाउन ले लिया गया, लेकिन शायद यहां पे मोदी को डाउन, जी नहीं यहां पे मोदी अभी तक डाउन नहीं हुआ, सामने की तरफ एक प्लेयर होने वाले, जी यहां पे बढ़िया शॉट लगाते हुए, बढ़िया यहां पे डाउन भी लेके जाएंगे, अकेले प्लेयर यहां पे क्रश में को बसते हुए नजर आ रहे हैं, यहां पे लॉन्ग रेंज गन इनके पास होने वाली है, तो शायद ये राउंड मेरे को लग रहा है इसलिए यहां पे टीम डी बॉयज निकाल के इस मैच को बराबरी पर करके लेके जाएंगे, लेकिन जी इन शॉट से आपको बच के रहना होगा, जिस तरीके के प्लेयर ये शॉट लगा रहे हैं, तो थोड़ा सा आपको बच के खेलना होगा, अपनी हेल्थ को पूरी तरीके से मुकम्मल करते हुए मैक्स, एंड दोबारा से इस मैच में बनेंगे हीरो काफी बेहतरीन प्लेयर, एंड सामने एक तरफ एक प्लेयर जरूर होने वाला, थोड़ा सा बच के रहना होगा, क्रश काफी बेहतरीन यहां पे स्नाइपर, डबल स्नाइपर इनके पास होने वाली है, तो यहां पे बचना लाजमी है टीम डी बॉयज का, और भाई चिंता करना भी काफी जरूरी है, लेकिन मोदी यहां पे अंदर की तरफ मेरे को रश करते हुए नजर आए, डबल बैल के पास होने वाली है, एंड शायद यहां पे जी इनको रोका जाएगा, लेकिन क्या रोक पाएंगे ये जरूर देखना होगा, सामने की तरफ यहां पे प्लेयर होने वाले, एंड यहां पे डबल स्नाइपर का इस्तेमाल करते हुए नजर आ रहे हैं, अंदर की तरफ यहां पे जरूर जाएंगे, बढ़िया शॉट लगाएंगे मैक्स, एंड डबल किल के साथ इस मैच में दोबारा से वापसी करते हुए गाइस टीम डी बॉयज। सातवां राउंड आ चुका गाइस, और सातवें राउंड के लॉकडाउन में पहुंच चुके हैं, टीम डी आज मुकाबला करेगी बेस्ट गेमिंग का। अब तक के मैच की बात करें तो दोनों टीमें बराबरी पर चली है, कांटे की टक्कर देती हुई नजर आ, जी यहां पे एक प्लेयर अंदर की तरफ जरूर गए, लेकिन जी यहां पे गलती करेंगे, गलती का खामियाजा यहां पे भुगतना पड़ेगा। ऊपर की तरफ मोदी काफी तेज से भागते हुए नजर आ रहे, आकाश यहां पे काफी जल्दी यहां पे निकल गए थे, लेकिन यहां पे गौतम जी एक प्लेयर और यहां पे टीम डी का डाउन हो चुका, एंड रुकने का नाम नहीं ले रही बेस गेमिंग, जिस तरीके से यहां पे रश करती मेरे को नजर आ रही, एक प्लेयर को जरूर यहां पे ऊपर की तरफ यहां पे डाउन ले लिया गया, एंड शायद यहां पे कंफर्म भी कर दिया जाएगा, लेकिन मैक्स यहां पे नीचे डाउन हो चुके, जिनको रिवाइवल संभव नहीं होगा, नॉकआउट यहां पे कन्वर्ट हो जाएंगे, किलमैन 2v3 का मुकाबला, एंड पैंथर काफी बड़ी मछली अभी तक यहां पे बची हुई है, तो बच के यहां पे रहना होगा टीम डी बॉयज को। मोदी बेहतरीन प्लेयर जरूर होने वाले हैं, एंड डेजर्ट ईगल क्या मक्खन की तरह चिल्लाते हैं, लेकिन भाई 2v3 का मुकाबला है, एंड क्लॉक टावर का यहां पे टावर होने वाला है, तो यहां पे मेरे को लग रहा है कि बाहर की तरफ जोन बनने वाला है, तो बाहर तो इनको जरूर जाना होगा, एंड यहां पे बेस गेमिंग भी कोई गलती ना करते हुए नीचे की तरफ होने वाले, एंड यहां पे वेट करती हुई मेरे को नजर आ रही है, क्योंकि इनको पता है काफी बड़ा मुकाबला होने वाला है, दोनों टीमें काफी बेहतरीन होने वाली गाइस, लेकिन देखना होगा ये राउंड अपने
खाते में जुड़कर कौन सी टीम एक पॉइंट की लीड बनाने वाली है, क्या वो टीम डी होने वाली है या फिर वो बेस्ट गेमिंग होने वाली है, ये जरूर देखना होगा। जी आकाश एक प्ले को डाउन लेके जाएंगे एंड अभी शुरुआत शायद हो चुकी है रश करने की शुरुआत। एक ओपन सामने तक डबल बैल का इस्तेमाल यहाँ पे जरूर किया गया, लेकिन यहाँ पे बच के खेलना होगा। अंदर की तरफ जीकेपी गए हैं, बहुत ही कम हेल्थ होने वाली है जीकेपी की। अगर इस प्ले को यहाँ पे डाउन ले जाएंगे तो ये राउंड इनके हाथों में जा सकता है। एनएक्सटी पैंथर अकेले बसते हुए 1v2 का मुकाबला नीचे की तरफ यहाँ पे जा चुके थे, बड़ी गलती पैंथर की तरफ से एंड ये गलती ये राउंड इनके हाथों से निकल सकता है। थोड़ा सा बचके मोदी सामने की तरफ होने वाले हैं, बचके यहाँ पे रहना होगा। जी शोर लगाने कोशिश, लेकिन आकाश यहाँ पे रश करते हुए नजर आएंगे एंड थोड़ा सा बचके यहाँ पे रहना होगा। आकाश की गलती यहाँ पे भारी पड़ सकती थी टीम डी के लिए, लेकिन थोड़ा सा बचके यहाँ पे खेलना जरूरी था। लेकिन गाइस यहाँ पे मोदी इस राउंड को अपने हक में लेके जाएंगे एंड इसी के साथ एक पॉइंट की लीड बनाकर 4-3 से इस मैच में आगे जाती हुई टीम डी। आठवां राउंड आ चुका गाइस, और आठवें राउंड में सीपीआर में पहुंच चुके हैं भाई। बेस्ट गेमिंग के जो गौतम है काफी बेहतरीन शॉट रेंज में इस्तेमाल थे, जिस तरीके से मैंने इनके शॉट देखे काबिले तारीफ, काफी बेहतरीन प्लेयर होने वाले। लेकिन जी बड़ी मछली का शिकार यहाँ पे जरूर बनाया जाएगा, एक प्ले को जरूर यहाँ पे डाउन ले लिया जाएगा मैक्स की तरफ से। अब की बार शायद यहाँ पे रश करती मेरे को नजर आ रही है टीम डी, सामने की तरफ यहाँ पे गौतम होने वाले, इस प्लेयर से बच के रहना होगा। सबसे ज्यादा यहाँ पे किल की एंड जीकेपी दोनों ये प्लेयर जो होने वाले शॉर्ट रेंज में काफी बेहतरीन यहाँ पे टीम को संभालते हुए नजर आ। जी सामने तरफ एक प्लेयर जरूर होने वाला, काफी अच्छा खासा यहाँ पे डैमेज देते हुए नजर आ। जी नहीं अब की बार नहीं चल पाएंगे, आकाश यहाँ पे जरूर डाउन हो चुके, लेकिन ऊपर की तरफ से क्रशर यहाँ पे लगातार यहाँ पे नजरे बनाए, लेकिन यहाँ पे क्रशर को डाउन ले लिया जाएगा। अकेले प्लेयर गौतम बचे हुए, जी बढ़िया पे शॉट लगाएंगे, एक प्लेयर को जरूर यहाँ पे डाउन लेके जाएंगे एंड शायद यहाँ पे कंफर्म भी कर जाएंगे। सामने की तरफ यहाँ पे टीम जी के दो प्लेयर होने वाले, थोड़ा सा यहाँ पे बच के खेलने की जरूरत यहाँ पे जरूर होने वाली है। जी जैसा मैं बोला, थोड़ा सा बच के खेलने की जरूरत होने वाली है। अकेले प्लेयर बचे थे, मोदी अगर ना होते पास में, अगर क्लोज रेंज में मोदी ना होते तो शायद यहाँ पे कुछ कमाल करके जा सकते थे गौतम। लेकिन गाइस मुकाबला काफी बेहतरीन चलता हुआ, एक दमदार शुरुआत यहाँ पे जरूर बेस्ट गेमिंग की तरफ से की थी, लेकिन भाई वापसी करके टीम डी ने दो पॉइंट की लीड बना लिया इस मैच में एंड काफी बेहतरीन गाइस मुकाबला चलता हुआ दोनों ही टीमों के बीच। नौवां राउंड आ चुका गाइस, और नौवें राउंड में हम पहुंच चुके रिवर साइड में एंड बेस्ट गेमिंग बनाब गाइस टीम डी मुकाबला चलता हुआ, मुकाबला काफी बेहतरीन, दोनों टीमें इतनी बेहतरीन होने वाली है कि भाई ये मैं प्रेडिक्शन नहीं कर सकता कि कौन सी टीम ये मैच जीत के जाने वाले। जी यहाँ पे गलती मोदी की तरफ से, रश करने की गलती की एंड उसका फायदा पूरी तरीके से यहाँ पे उठाया जाएगा। गलती यहाँ पे टीम डी के प्लेयर्स यहाँ पे मेरे को लगता है करते हुए नजर आ रहे इनके पास। यहाँ पे अभी अगर बात करें तो दो पॉइंट की लीड होने वाली है, तो संभल के खेलने की जरूरत है, लेकिन क्या खेल पाएंगे ये जरूर देखना होगा। यहाँ पे अगर बात करें तो मैक्स नीचे की तरफ होने वाले एंड मैक्स काफी बेहतरीन रशर, जी एक प्लेयर को जरूर यहाँ पे डाउन लेके जाएंगे एंड शायद अब बराबरी पर इस राउंड में मुकाबला चल सकता है। 3v3 का मुकाबला, मैन टू मैन एडवांटेज किसी के पास नहीं होने वाली। आकाश को अच्छा खासा डैमेज यहाँ पे जरूर मिल चुका, थोड़ा सा बचके जी पैंथर ऊपर चढ़ते हुए नजर आ रहे हैं। अगर ये ऊपर चढ़ जाते हैं तो शायद इस मैच की कहानी पलट के रख सकते हैं, लेकिन थोड़ी सी गलती यहाँ पे ऊपर की तरफ नहीं जा पाएंगे एंड क्रश काफी तेजी से आगे बढ़ते हुए एंड मैक्स के पास मौका। जी नहीं यहाँ पे गलती करेंगे एंड ये जो प्लेयर होने वाला है क्रश, जिनका नाम होने वाला है, ये सारी कहानी को उल्ट पुलट यहाँ पे करता हुआ नजर आ रहा है क्रश। यहाँ पे जी एक प्लेयर को यहाँ पे बढ़िया यहाँ पे शॉट लगाते हुए नजर आ रहे, अकेले प्लेयर में ख्याल से यहाँ पे मैक्स बच चुके हैं। जी यहाँ पे मैक्स अकेले बचते हैं एंड व्हाट अ शॉट बाय द मैक्स, एक प्लेयर को जरूर यहाँ पे डाउन लेके जा सकते हैं एंड भाई डाउन लेके गए भी हैं। सामने की तरफ एक और प्लेयर होने वाला था, लेकिन पैंथर अब की बार कोई गलती नहीं करेंगे, अपनी टीम की उम्मीदों पर खरे उतरते हुए एंड इस मैच में गाइस दोबारा से वापसी करना स्टार्ट कर चुका है बेस्ट गेमिंग एंड स्कोर बोर्ड की बात करें तो सिर्फ एक पॉइंट के मार्जिन से लीड में है टीम डी। 10वां राउंड आ चुका गाइस, और 10वें राउंड में गाइस हम पहुंच चुके हैं मील मैन पैंथर। जिस तरीके से यहां पे घूम के गए, मेरे को लग रहा है कि ये बंदा इस मैच का तख्ता पलट करने वाला है। जिस तरीके से जी राइट से यहां पे फ्लैश करके जरूर गए, बेहतरीन प्लेयर होने वाले गौतम को थोड़ा सा यहां पे डैमेज मिल चुका है, लेकिन गौतम जी बेहतरीन प्लेयर यहां पे शॉट सामने की तरफ से लग चुके, तो थोड़ा सा यहां पे बच के खेलना होगा। जी पैंथर को यहां पे डाउन ले लेगा, बड़ी मछली का शिकार, बेहतरीन कामयाबी यहां पे टीम डी बॉयज को मिल चुके हैं, लेकिन यहां पे टीम डी के दो प्लेयर्स डाउन हो चुके हैं क्योंकि यहां पे गौतम एंड क्रशर भाई अपना कोहराम मचाते हुए नजर आ रहे। क्रशर काफी बेहतरीन स्नाइपर, एक प्लेयर जरूर यहां पे डाउन हो चुका, लेकिन शायद यहां पे हीरो एंड मैक्स को एक साथ मिलकर खेलने की जरूरत है, लेकिन क्या खेल पाएंगे ये जरूर देखना होगा। सामने की तरफ एक प्लेयर होने वाला, बढ़िया पे डैमेज देते हुए एंड शायद यहां पे स्काइलर का इस्तेमाल शायद यहां पे कर सकते हैं। सामने की तरफ एक प्लेयर, लेकिन यहां पे गलती करते हुए टीम डी प्लेयर मैक्स यहां पे डाउन हो चुके हैं। हीरो अकेले बचते हुए एंड जिसका डर था वही होता हुआ नजर आ रहा, वो प्लेयर उठ चुका है जो कि यहां पे शॉर्ट रेंज में नहीं जाने देगा हीरो को गाइस। और मेरे को लगता है कि ये मैच अभी बराबरी पर आ चुका है एंड मेरे को लग रहा है कि ये बराबरी पर आ जाएगा इजीली। जी सामने की तरफ यहां पे जिस तरीके के प्लेयर होने वाले तो यहां पे बचने नहीं वाले। जी फिश का इस्तेमाल यहां पे लास्ट की घड़ी में करते हुए नजर आ रहे, लेकिन गाइस इसी के साथ यहां पे बेस्ट गेमिंग वापसी करते हुए 11वां राउंड आ चुका गाइस, और 11वें राउंड में कटोल्स में पहुंच चुके हैं एंड भाई जिस प्लेयर का यहां पे सबसे ज्यादा
खतरा होने वाला है उसका नाम होने वाला है क्रशर। अगर इस प्लेस से यहाँ पे टीम डी प्लेस बच जाते हैं तो कहीं ना कहीं इस मुकाबले को जीत की तरफ लेके जा सकते हैं। जी यहाँ पे हीरो के ऊपर तैनात है जरूर यहाँ पे क्रशर, लेकिन व्हाट अ राइट नंबर शॉट, वन एंड ओनली डी हीरो बड़ी मछली का शिकार यहाँ पे कर दिया जा चुका है, क्रशर डाउन हो चुका है। अगर क्रशर को अभी रिवाइवल संभव नहीं होता है, इसी बीच पैंथर को भी डाउन ले लिया गया है, लेकिन यहाँ पे जी के पी बहुत ही पास होने वाले, लेकिन शायद रिवाइवल संभव नहीं करा पाएंगे। एंड टीम डी का भी एक प्लेयर डाउन हो चुका है, बच के रहना होगा यहाँ पे स्कालर का इस्तेमाल कर सकते हैं, बच के यहाँ पे खेलना होगा टीम डी को, लेकिन गाइस अकेले प्लेयर यहाँ पे जी के भी बचते हैं। और शायद इस मैच में जो पिछले एक दो राउंडों में भूल की थी टीम डी ने, वो सुधारने का टाइम आ चुका है, क्योंकि 1v4 का मुकाबला, एंड 1v4 का मुकाबला टीम डी अगर ये राउंड निकाल के लेके जाती है, जो कि मेरे को लग रहा है कि यहाँ पे निकाल के इजिली लेके चली जाएगी, जी मोदी की तरफ से यहाँ पे ट्रिपल किल किया जाएगा सुपर राउंड के साथ। इस मैच में मैच पॉइंट पे पहुंच चुका है टीम डी, एंड 10 किल जा चुके हैं गाइस मोदी के खाते में, सुपर 10 यहां पे मोदी की तरफ से लगाया जा चुका है, एंड ये आखिरी मौका होने वाला है बेस गेमिंग के पास इस मुकाबले में वापसी करने का। 12वां राउंड आ चुका है गाइस, अरे 12वें राउंड में हम पहुंच चुके हैं हैंगर में। टीम डी का मुकाबला आज जिस टीम से हुआ है वो होने वाली है बेस गेमिंग, एंड रिजल्ट की अगर बात करें तो रिजल्ट अभी थोड़ी देर में शायद आ जाएगा। सामने की तरफ एक प्लेयर बढ़िया शॉट यहां पे लगाया, दो प्लेयर देखते देखते, तीन प्लेयर देखते देखते यहां पे डाउन हो चुका है, एंड ये मैच काफी जल्दी से मेरे को खत्म होता हुआ नजर आ रहा है। लगता है यहाँ पे बेस गेमिंग ने सारी उम्मीदें छोड़ दी कि भाई अभी वापसी नहीं हो सकती, क्योंकि यहाँ पे जिस तरीके से जी मेरे को लगता है यहाँ पे सारी उम्मीदें यहाँ पे छोड़ दी गई थी, लेकिन गाइस टीम डी यहाँ पे जरूर थोड़ी सी गलती यहाँ पे टीम डी की तरफ से एक दो राउंड में हुई, 2 पॉइंट की लीड होने वाली थी, गलती की वजह से यहाँ पे राउंड गवाए, लेकिन लास्ट के 2 राउंड काफी जल्दी से यहाँ पे समाप्त करके इस मैच को 7-5 से यहाँ पे खत्म किया। लेकिन बेस गेमिंग की तरफ भी जो प्लेयर होने वाले थे काबिली तारीफ, जैसे यहाँ पे क्रशर एंड गौतम काफी बेहतरीन खेल रहे थे, क्रशर की स्नाइपर हेडशॉट काफी बेहतरीन यहाँ पे स्नाइपर चला रहा था, प्ले गौतम की बात करें तो शॉर्ट रेंज में काफी बेहतरीन यहां पे संभालते हुए नजर आए थे। लेकिन गाइस 7-5 से 2 पॉइंट के मार्जिन से ये मुकाबला टीम डी निकाल के लेके गई। तो गाइस आपको मुकाबला कैसा लगा जल्दी जल्दी मेरे को कमेंट करके बताओ। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए ख्याल रखें, टेक केयर गाइस।